वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EZWayEZWay में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार के बारे में जो देखने में बेहद ही सुंदर है, SUV मॉडल है और ये काफ़ी सस्ती भी है। तो हम पूरे इस कार के बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में, इसका फीचर्स क्या है और ये इसका प्राइस क्या है इंडियन मार्केट में, लॉन्च कब हुई और ये आपको कब तक मिल सकता है। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग थोड़ा गाड़ी का लुक देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने सबसे छोटी और सबसे सस्ती SUV बेयॉन को मार्केट में उतारा है। वैसे बेयॉन का नाम दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम बेयॉन है और ये उसी के नाम के बेस पे ये रखा गया। ये जगह का नाम काफ़ी फेमस है, ये जगह भी काफ़ी फेमस है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है ये खास तौर पर यूरोप के लिए बनाया गया है और यूरोप के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। वैसे कंपनी ने ये भी बताया कि ये 40 से भी ज़्यादा कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसका ट्रायंगल LED और सिल्वर बेस प्लेट जो गाड़ी को और भी आकर्षित बनाता है। 12 टोन बम्पर और रिफ्लेक्टर और सिल्वर फ्लैक्स प्लेट भी दिया गया है जिससे बेयॉन को और भी काफ़ी अच्छा लुक ये नज़र आता है। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। इसका इंटीरियर में 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 10.25 इंच का AVN या 8 इंच के डिस्प्ले ऑडियो के कनेक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट मिलता है। इसमें LED एवियंट लाइट भी है जो फ्रंट पैसेंजर फुट एरिया, दरवाजा और फ्रंट डोर पुल हैंडल एरिया के साथ साथ सेंटर कंसोल के नीचे स्टोरेज एरिया में इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा गाड़ी में इनसाइज कार में वायरलेस फोन मिररिंग और 8 इंच का डिस्प्ले ऑडियो भी आपको नजर आता है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो ये गाड़ी में आपको सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स दिया हुआ है, जैसे गाड़ी को अपने लेन में चलाने के लिए लेन फॉलो असिस्ट LFA और फॉरवर्ड कॉलिजन एविडेंस सिस्टम जो दिया गया है FCA जिसको बोलते हैं वो इसमें लगाया हुआ है। अलार्म बजाना और टक्कर मतलब कुछ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको रोकने के लिए और ब्रेक लगाने के लिए ये आपको काम करता है। अब बात करते हैं इंजन और ड्राइविंग मोड के बारे में। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें वो i20 जैसा इंजन इसमें लगाया हुआ है। लाइनअप के टॉप पर एक 1.0 लीटर का TGDI इंजन इसमें लगाया हुआ है जिसमें 48 वोल्ट और 120 या 100 PS का पावर जनरेट होता है। इसे 6 स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन या आप बोल सकते हैं 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें 48 वोल्ट के साथ 1.0 लीटर TDGI इंजन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इसमें 3 ड्राइविंग मोड है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट इसमें कंपनी का वेरिएंट है। अब बात करते हैं गाड़ी का साइज के ऊपर। तो ये गाड़ी 4180 mm लंबी और 1775 mm चौड़ी और 1490 mm हाइट इसका है। इसमें 2580 mm का व्हील बेस है। इस कार में 15 इंच का स्टील व्हील्स या आप बोल सकते हैं 16 या 17 इंच का ऑयल व्हील्स भी दिया जा सकता है। बेयॉन SUV में 411 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है। अब बात करते हैं लॉन्चिंग डेट के बारे में। वैसे तो कंपनी अभी तक ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है कि किस डेट में ये लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसी कंपनी का ही एक दूसरा कार है जो Alcazar है, जो SUV मॉडल का, वो फिलहाल अभी लेके आ रही है। और बेयॉन का जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है वो फिलहाल समर के आसपास बताया जा रहा है। समर मतलब जून जुलाई में ये इंडिया में लॉन्च कर सकती है। तो इस गाड़ी को आप अगर इसी कंपनी का ही वेन्यू से कंपेयर करेंगे और टाटा नेक्सन से कंपेयर करेंगे तो आपको ये तीनों में क्या डिफरेंस नज़र आया और तीनों में क्या अच्छाई है, आप खुद कंपैरिजन करके आप देखिए। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्राइस। गाड़ी की प्राइस इंडियन मार्केट में 5 से 7 लाख के बीच हो सकती है। अभी तक हालांकि कंपनी की तरफ से कोई फिक्स कन्फर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है। प्राइस, फीचर्स, लुक, माइलेज, हर चीज़ का आप अच्छा से डिटेल से जांच पड़ताल कीजिए तभी आप खरीदने के बारे में सोचिए। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नया प्रोडक्ट के साथ, नया रिव्यू के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।